अभी जो आपसे टॉपिक जो छेड़ने वाले हैं वे बेहद जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिवीजन हो जाएगा। ध्यान देगा ये टॉपिक जो आपको बताने वाले, यहाँ पे एक्स के पावर जो है 6 हो जाएगा, एक्स के पावर 9 के वैल्यूज, एक्स के पावर एक्सेट्रा, जो एक जो है एक 3 का जो है मल्टीपल होना चाहिए, अगर उस टाइप का अगर नंबर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट में ध्यान देगा, कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद रखना है, क्या करना है, इतना याद रखना है कि अगर एक्स प्लस और 1/x अगर मान आता है यहाँ पे √3 देता है, ठीक है, रूट में अगर 3 रहता है तो अगर मुझे एक्स के पावर 6 का अगर मान पूछता है तो इसका मान कितना होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। अगर बाय द वे यहाँ पर पूछता है एक्स प्लस 1/x अगर दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/ अगर एक्स दिया हुआ है, इस केस में अगर इसका माइनस जो है मान जो है माइनस √3 दिया हुआ है, तो इस केस में इसका जो मान होगा एक्स के पावर 6 जो होगा कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका -1। याद रखना है तो याद रखना आपको इसका जो है -1 याद रखना है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो x के पावर 6 इक्वल टू -1 होगा, या फिर x प्लस 1/x इक्वल टू -√3 दिया होता है x के पावर 6 इक्वल टू कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये जो है ना आप याद रखना है, इसको जो है याद रखना है। देखिए इसको हम सॉल्व भी करते ना, प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1/x इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है √3 दिया हुआ है, राइट तो एक काम करते हैं बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड क्यूब कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो घन कर दो, क्यूब कर दो, दोनों पक्षों में घन करोगे तो ये आपका आ जाएगा। देखो बोथ साइड क्यूब, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दिया हमने घन कर दिया, सॉरी एक्स प्लस 1/x का हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ क्या करेंगे √3 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे समझे, समझने की बात है, यहाँ पे क्या है समझने की बात है। तो अब इस केसेस को जब हम सॉल्व करेंगे, इस केसेस को सॉल्व करने के लिए हमको क्या मिलेगा, ध्यान दो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, जब फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, इसी तरह कर देंगे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस 3ab प्लस 3 × b और ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस बी, क्या जाएगा a प्लस बी, राइट। अभी इसके स्थान पे यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे, बाय देखिए 3 का रूट में 3 है तो इसको स्क्वायर इनटू √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 बार है तो लिख सकते हैं ना, बेशक लिख सकते हैं क्योंकि ये और ये आपस में कट जाएगा तो 3√3 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 3√3 आ जाएगा, 3√3 रूट में क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब इतना आपको समझा गया ना, अब अपन देखो क्या करेंगे, ये से ये कैंसिल हो रहा है, कर दो भाई कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स के पावर 3 और यहाँ पर एक्स के पावर 3, राइट, एक्स के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 और प्लस यहाँ पर आएगा 3। ध्यान दो एक्स प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स प्लस 1/x का मान कितना दिया है यहाँ पे √3 दिया हुआ है, कितना दिया है √3 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर क्या आपका आएगा 3 − √3 आएगा, इतना लिखा आपको, ये और ये आपस में कैंसिल हो जा रहा है, बेसक हो जा रहा है क्योंकि 3√3 है, इधर जाएगा तो माइनस बनाया तो आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसी तरह आपका आ जाएगा एक्स का क्यू और प्लस 1/x का क्यू का मान कितना देगा 0 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लो यहाँ पे एक्स क्यू और प्लस 1/x को, देखो ये वो जो 3 था ना भाई, तो ये 3 × √3 जो दिया हुआ है ये आपस में कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ पर 0 दे देगा, 0 दे देगा तो अपने इस टाइप के लिख सकते हैं एक्स का क्यू प्लस 1/x का क्यू बराबर 0। अब क्या है देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है एक्स के पावर 6 और प्लस 1 बाई यहाँ पे एक्स के पावर 3 बराबर 0, है ना, जब 0 होती है जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा एक्स के पावर 6 और प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पे क्या आएगा एक्स के पावर 6 बराबर कितना आएगा -1। तो अब आपको समझ आ गया एक्स के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, कैसे आ रहा है ये आपको हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन दे ध्यान देगा यहाँ पे दिया है, अगर क्वेश्चन नंबर से ध्यान देगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी आप डाल दीजिएगा यहाँ पे 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 ना, 16। तो अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है एक्स के पावर एक्स प्लस 1/x अगर दिया हुआ है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया है, वो एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है आपका √3 दिया है, राइट, √3 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका मान पूछता है कि x के पावर 72, राइट, x के पावर 72, x के पावर x तो है तो x के पावर 72, x के पावर 66 है ना, और x के पावर
ऐसे कर दिया मैं यहाँ पे x के पावर यहाँ पे 54, x के पावर 36, x की पावर कितना दिया यहाँ पे 54 और x के पावर 36 और प्लस यहाँ पे दिया है x के पावर 18, यहाँ पे दिया x के पावर 9, राइट, और यहाँ पे आपका दिया है प्लस 1, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, x के पावर 72, x के पावर 66, x के पावर 54, x के पावर 36, x के पावर 24 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन ये एक ये हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है इसका मैं आंसर निकालता हूँ, इसका जो है मान लेते x प्लस 1/√1 x इज इक्वल टू कितना दिया, √3 दिया है। एक और क्वेश्चन है, पहला इसको मैं मान लेता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। दूसरा जो आपका दिया हुआ है x के पावर 72 और प्लस यहाँ पे दिया x के पावर 66 और प्लस यहाँ पे दिया x के पावर 54, राइट, कितना दिया पावर में ध्यान दिएगा x के पावर 54 और प्लस यहाँ पे दिया है x के पावर 24 और x के पावर 24 और प्लस यहाँ पे 36 भी है, ध्यान दिएगा यहाँ पे 36 और प्लस यहाँ पे x के पावर 24 और प्लस x के पावर 6 और प्लस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मुझे मान पूछ रहा है, इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है 0, 4, 3, 2, 1 ना, तो इसका ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है पहला 0, आपका दूसरा जो ऑप्शन दिया है 2, तीसरा जो ऑप्शन दिया है 4 और चौथा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वह कितना है 3 है, ये मुझे बताना है। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके पहले बताएंगे हम, समझा रहा है, तो दोनों क्वेश्चन को हम जब सोल्व करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन को अपन जो है ऐसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो पहला क्वेश्चन को, तो यहाँ पे इसको जो मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स के पार, ध्यान दो इसको जब 3 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे भाई लोग, यहाँ पे एक्स के पार 3 है ना, एक्स के पार 3, एक काम करते हैं 6 से मैं डिवाइड करता हूँ, 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 1 6, ठीक है, 6 1 6 और 6 2 12 है ना, 6 1 6, ध्यान दो यहाँ पे कितना आएगा 6 1 6 और 6 2 12, दो बार में कटेगा, राइट। इसको मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ना करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक स्टेप और ले देता हूँ, 72 और प्लस यहाँ पर आएगा एक्स के पावर 66 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स के पावर 54, यहाँ पर आएगा एक्स के पावर 36, ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा x के पावर 36, यहाँ पे आपका जाएगा x के पावर 36, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x के पावर 9, ठीक है, यहाँ पे आपका जाएगा प्लस 1। तो इस केसेस को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, फैक्टर आपका नहीं बन रहा है, यहाँ तो आपका 6 का बन जा रहा है ना, यहाँ पे तो आपका यहाँ पे भी बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन जा रहा है, यहाँ पे भी बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 9 के स्थान पर नहीं बन रहा है, एक काम करते हैं इसके स्थान पे यहाँ पे मुझे ये पता चला कि क्वेश्चन में यहाँ पे तो सबका बन रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चन का जो है यहाँ पे फैक्टर नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो एक काम कर दें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के पावर 6 के हिसाब से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x के पावर 6 को जो है डिवाइड करो तो ये 12 बार बन जाएगा, यहाँ पे करोगे तो x के पावर 6 को करोगे तो 11 बार बन जाएगा, यहाँ पे x के पावर 6 को करोगे तो कितने बार जाएगा सॉरी x के पावर 6 करोगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो 9 6 54 मतलब 6 बार जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करोगे x के पावर 6 करोगे तो x के पावर 6 का 6 जाएगा ना, 6 6 36 आएगा, यहाँ पे करोगे x के पावर 6 के पावर में यहाँ पे क्या करोगे 3 कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या करोगे x के पावर 6 इंटू x के पावर 3 कर दोगे, ठीक है, नहीं टूट रहा है तो नहीं टूट रहा है, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्टेप ना होने के कारण जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x के पावर यहाँ पे 6 इंटू x के पावर 3 और यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस 1, ठीक है, इसका मुझे मान निकालना है, इसका मुझे मान निकालना है, तो फर्स्ट जो है रूल ध्यान दो यहाँ पे x के पावर 6 माइनस 1 तो माइनस 1 के पावर में यहाँ पे 12 कर दोगे, राइट, तो चाहे माइनस 1 हो 12 बार लिखना है तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस होता है, तो मतलब इवन नंबर में आएगा, सम संख्या में अगर पावर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, इसी तरह यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 11 पावर में है, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे पावर में 9 है, यहाँ पे क्या है माइनस 1 और पावर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे माइनस 1 और पावर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे x के पावर यहाँ पे 6,
ठीक है, x के पावर 6 है ना, x के पावर 6 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है x के पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, इतना समझा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस 1 के पावर में 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 के पावर 11 है तो माइनस 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 1 आएगा, यहाँ पे करें तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस है ना, पावर में क्या है माइनस है, देखिए पावर में क्या है आपका ऑड नंबर है 3 है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आएगा। फिर ध्यान दो, एक्स के पावर 6 का माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इंटू एक्स क्यू करोगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, कितना जाएगा माइनस एक्स क्यू और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो इस केस में क्या है, ये 1 और ये प्लस 1 कट जा रहा है, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 1 कट जा रहा है, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जा रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा ये प्लस 1 और ये माइनस 1 जो है आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा आपका माइनस एक्स के पावर में 3, कितना आएगा आपका माइनस एक्स के पावर में 3, असल में x की पावर 3। तो जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे इसको हम साफ करते हैं ना। देखिए सबसे पहले जो मेथड बोलता है मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे, आपका ऑप्शन ऐसे भी दे सकता था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे x के पावर 72, x के पावर जो है यहाँ पे x के पावर जो है यहाँ पे 66, x के पावर 52, x के पावर 36, x के पावर 24, x के पावर 6 और प्लस यहाँ पे 1 दे रहा है। इसका आपसे मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसका जो है आपसे मान निकालने बोल रहा है। एक काम करोगे यहाँ पे क्या है x के पावर 6 के पावर भी यहाँ करोगे 12, यहाँ पे करोगे x के पावर 6 के पावर 11 कर दोगे, यहाँ पे करोगे x के पावर 6 के पावर में यहाँ पे क्या करोगे 9 करोगे, यहाँ पे करोगे x के पावर 6 के पावर में यहाँ पे क्या करोगे 4 करोगे, यहाँ करोगे x के पावर 6 और प्लस यहाँ पे 1 कर दोगे। सॉरी अब देखो यहाँ पे x के पावर 6 है तो x के पावर 6 का भी हमने मान बताया कितना होता है माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 पूर्ण कर दोगे यहाँ पे तो 12 पावर में और प्लस यहाँ पे आएगा माइनस 1 के पावर में यहाँ पे 11 और प्लस यहाँ पे माइनस 1 के पावर में 9 और यहाँ पे कर दोगे माइनस 1 के पावर में 4, यहाँ पे कर दोगे माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 और माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस 1 आएगा, राइट। अब ध्यान दो पावर में अगर 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 इवन नंबर है यहाँ पे, इवन नंबर मतलब सम संख्या है, तो चाहे माइनस 1 इंटू माइनस 1 दो बार होगा तो प्लस आएगा, तो इस केस में यहाँ पे क्या बनाएगा रिजल्ट यहाँ पे प्लस बनाएगा, यहाँ पे क्या आपका बनाएगा पावर में यहाँ पे ऑड नंबर है मतलब विषम संख्या, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1 आएगा, यहाँ माइनस 1 यहाँ पे प्लस 1, देखो कुछ कट रहेगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस बराबर कितना जीरो आ जाएगा, कितना देगा जीरो। तो इस केसेस के जो इसका ऑप्शन था इसका ऑप्शन ये ए हो जाएगा, ठीक है, ए ए जीरो, और इसके लिए ऑप्शन जब हमने निकाला अभी तो इसका ऑप्शन कितना देगा यहाँ पे माइनस एस एक्स क्यू आ जाएगा, कितना देगा माइनस एक्स क्यू। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन को आप जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हमने बताया, चाहे कुछ भी दे है ना, आप इस टाइप के जो है याद आ रहा है आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वो अलग है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में मत एंटर कर दिया, क्योंकि आपने पढ़ा है ना वहां पे कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है वहां पे माइनस 1 होता है, तो उस केस में आप वहां पे एंट्री मत ले लीजिएगा। इस केस में आप जो है बीजगणित पढ़ रहे थे सिर्फ बीजगणित में ही रहिएगा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मत जाएगा, क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका एक जो 12th क्लास के जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ब्रॉड है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है, ठीक है, जो आईआईटी के जो उसमें स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से क्लियर से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या ना कि एक एक टॉपिक जो है पहले हम आपको जो है एक पैटर्न बाय पैटर्न जो है आपके सिलेबस में डाल दें, ताकि जो आपको ईजी हो याद करने में और तैयारी करने में, ताकि जो आपका पूरा जो है मेटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल से जो है पूरी तरह मिल जाए, तो हम चाहते हैं कि आपका जो है फायदा हो, हम फायदा कराने के लिए जो है आपको जो है क्लास दे रहे हैं। एक शर्त है भाई लोग कि सपोर्ट करो, मैं जानता हूँ आपको पूरे दिल से पढ़ा रहा हूँ, पूरे जो है ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरे उसमें जो है कोई जो ऐसा नहीं है ना, मैंने आपको पूरी ईमानदारी से जो है कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ, और एक एक चीज मैं आपसे डिफाइन करते हुए चलूंगा, अगर मेरा लेक्चर अगर लग रहा है कि आप तेज बता रहे हैं ऐसा कुछ अगर होता है तो आप कॉमेंट में मुझे बता कीजिए कि सर जो है आप तेज बता रहे हैं, आप जो है धीरे चलिए, या फिर आपके बताने की जो ट्रिक है आप बहुत धीमे चल रहे हैं तेज पढ़ाइए, वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना आपका आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए,
दिल से सपोर्ट कर मेरे भाई, दिल से सपोर्ट कर, ठीक है। जो आपके जो फ्रेंड मित्र हैं उनको भी बता, ताकि जो है अहमद सर जो है यहाँ पे काफी अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। देखिए मैं आपको जो है भी है कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलता हूँ, ठीक है। आप मेरे जो है नॉलेज जो है आप बहुत ज्यादा मैं दूंगा, क्योंकि देखिए मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ और साथ साथ में मैं जो है एक्सपर्ट भी हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरा एक कोर है, मैं चाहता हूँ कि आपको जो है एक ब्रॉड दूं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे मैं एडवांस लेवल का साथ साथ में ध्यान दूं, मैं यहाँ पे एफटी और रीजनिंग को भी मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कराऊंगा। एफटी और रीजनिंग से ऐसा तुम खेलोगे, कसम से मैं बता रहा हूँ, इतना प्यार से खेलोगे एफटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग में जो है आप उसका मैथ का दीवाना हो जाओगे, ठीक है। जिस तरह तुम जो है अपने गर्लफ्रेंड के पीछे जो है दीवान होते हो, इसी तरह जो है मेरे मैथ के जो है पीछे जो है तुम दीवान हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा ध्यान दो, मेरे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है। मैं बोलता ना कि मेरा सबसे प्रिय दोस्त लगाव मेरा पता है कौन है, मेरा जो है मेरे लाइफ के लिए जो है सबसे अच्छा मेरा दोस्त जो है ये है, ये बुक, इससे दोस्ती करोगे तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। एक मेरा किसी दोस्त ने मुझे काफी अच्छा बेहद एक मैटर छिड़ा था मेरे से। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो कॉलेज में एक मेरा फ्रेंड था, फ्रेंड बोलता है कि सर आप सभी भाई आप एक काम क्या कीजिए, अगर आपको कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आता है ना, तो आप क्या क्या करो, आप जो है बुक को जो है अपना सबसे अच्छा प्यारा दोस्त बना लो, ठीक है। एक बार दो बार उससे जब मिलोगे, मतलब उससे जो है कन्वर्सेशन करोगे, उससे जब बात करोगे, तो वो बुक जो है आपसे बातें करने लगेगा। बुक्स देखो, बुक का जो है लैंग्वेज जबान की भाषा नहीं समझता, जो वो आपके क्या करते हैं दिमाग की भाषा समझता है। इस बुक का जो है अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ, जब तक बुक जो है तुमसे बातें करेगा, बुक जो है आपसे बातें करेगा, काफी प्यार अच्छे से बात करता है। कब करेगा, जब आप बुक के साथ जो है आप कन्वर्सेशन करोगे, उसके साथ लगाव रहेगा, उनके साथ बात करने की कोशिश करो, आपको जो है बहुत तरीके से जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होगे। तो सबसे प्यारा दोस्त, सबसे प्यारा फ्रेंड जो है आपको बनाना है, आपको किसको बनाना, बुक को बनाना। तो बुक का जो है आप फ्रेंड बनाओ, सबसे अच्छा प्रिय दोस्त बनाओ, क्योंकि बुक अगर आपके साथ रहेगा ना, तो आपको जो है किसी के सामने वो झुकने नहीं देगा, समझा रहा है, किसी के सामने जो है आपको झुकने नहीं देगा। तो बुक को जो है अच्छा प्रिय दोस्त बनाओ, और दुनियादारी छोड़ो भाड़ में, ठीक है। एक मस्त जो है एक अपना एक सोसाइटी डेवलप करो, एक अच्छा जो है आपका थीम होना चाहिए, एक जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम को लॉक करो और लगते रहो, ठीक है। देखिए मेरा जो है मैं ये चाह रहा था कि मैं एक इंजीनियर हूं, और साथ साथ में मैं चाहता हूं, मैं साथ साथ में मैं अपना स्टडी भी कर रहा हूं, साथ साथ में मेरी जो नॉलेज है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको और सीख रहा हूं और डेवलप कर रहा हूं, मैं उसको जो है और इंप्रूव कर रहा हूं, मैं उसको जो है और क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे अंदर इतनी नॉलेज भरा हुआ ना कि आप मैथ के जो है मैं खास करके मैं जो है दो बार जो है गेट जो है दिया हूँ, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो मैं काफी एक्सपर्ट हूँ और काफी अच्छा जो है मैथमेटिक्स मेरा जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी जो है मैं आपको जो है एफटी और रीजनिंग जो है मैं अभी पूरी अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि आपका इसमें मेरा जो है काफी नॉलेज है और काफी अच्छा नॉलेज है, मैं आपको जो है काफी अच्छा से दूंगा। एडवांस मैथमेटिक्स इसलिए मैं उठाया हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में कई स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मुझे जो है एडवांस मैथ पढ़ना है। एडवांस मैथ में इसलिए मैं चाहता हूं कि क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर मैं आपको कर दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो है मैं आपका जो है टॉपिक बाय टॉपिक चलूं। ये जो है अभी मैं आपको एडवांस मैथ उठाया हूं, ताकि एडवांस मैथ जो है हर एग्जाम में आता है, बशर्ते बैंक का छोड़ करके बाकी टोटली जितनी भी एग्जाम होते हैं सब में आपका आता है। तो उम्मीद है कि आप जो है पूरी मन से शिद्दत से जो है आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से तैयारी करो और साथ साथ में मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ध्यान दो, इसी के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, ठीक है, इसको पहले आप नोट करो पहले।